जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन के उपवास में थे तो शैतान उसके पास आकर कहता है कि यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो पत्थर से कह कि वो रोटी बन जाए। इस पर यीशु मसीह शैतान को कहता है कि मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। इसके बाद शैतान पल भर में प्रभु यीशु मसीह को संसार के सारे वैभव और अधिकार दिखाकर ये कहता है यदि तू मुझे झुककर प्रणाम करे तो ये सारा वैभव और अधिकार मैं तुझे दे दूंगा। इस पर प्रभु यीशु मसीह शैतान से कहते हैं कि तू सिर्फ अपने परमेश्वर को प्रणाम कर और उसी की उपासना कर। उसके बाद शैतान प्रभु यीशु मसीह को एक ऊंचे स्थान पर ले जाकर कहता है तू यहाँ से अपने आप को गिरा दे क्योंकि वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपने दूतों को आज्ञा देंगे और वो तुझे बचा लेंगे। इस पर प्रभु यीशु मसीह शैतान से कहता है कि तू अपने परमेश्वर की परीक्षा ना ले। मेरे भाई बहनों, अगर आपके जीवन में परीक्षा आ रही है तो याद रखिए कि आपको परमेश्वर एक ऊंचे स्थान भी देगा।